हाल है। सत्रह 8 65 का प्रातः क्लास नहीं रात्रि क्लास। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं। कौन जानते हैं? बच्चे जानते हैं। बच्चे जानते हैं 500 करोड़ बच्चे नहीं है, है? बच्चे तो 500 करोड़ भी हैं, लेकिन जो रूहानी बाप आया हुआ है और रूहानी स्टेज में टिकने वाले हैं वो वास्तविक बच्चे हैं। तो वो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम पतितों को पावन बनाने वाले बाप के पास जाते हैं। पास क्यों जाते हैं? पास जाएंगे तो दृष्टि का शंका रंग लगेगा, वाइब्रेशन का शंका रंग लगेगा, वाचा भी सुनेंगे डायरेक्ट तो उसका भी असर पड़ेगा। तो जितने जितने नजदीक होते जाएंगे उतना उतना शंका रंग लगता जाएगा, इसलिए पास में जाते हैं और पावन बनकर पीछे आते हैं। क्या जब पावन बन जाते हैं तो फिर पीछे आते हैं? ये तो गाया हुआ है कि पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। आना भी किस लिए है? पतितों को पावन बनाने के लिए आना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आना है और चला जाना है। नहीं तो लोग क्या समझते हैं, तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि वो आता है और 69 में ज्ञान सुना के चला जाता है। पतित आत्मा पावन बने अथवा ना बने, लेकिन ऐसा तो है नहीं। उसके आने का मकसद ही है पतितों को पावन बनाने का, पतित सृष्टि को पावन सृष्टि में पलट देने का। जो बनेंगे वो ही पवित्र दुनिया में चलेंगे। क्या बनेंगे? पावन बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चलेंगे, पावन नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया में नहीं चलेंगे। फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, बाद में जो अपवित्र दुनिया होगी या कुछ न कुछ कला कम वाली दुनिया होगी, मान पूरी 16 कला संपूर्ण पवित्र दुनिया में वो आने वाले नहीं है। तो पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। अमर भी नंबर वार बनते हैं, कोई तो पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और तो 100% अमर हुए। अगर एक जन्म कम हो जाता है, त्रासी जन्म के लिए सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो कहेंगे उतने अमर नहीं है जितने ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। तो बाकी सब नंबर वार हैं, बाकी जो ना बनेंगे वो अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितने उच्च वर्षा देते हैं? उच्च वर्षा क्या है? हैं? उच्च वर्षा है विश्व की बादशाह, इससे ऊंचा और कोई वर्षा होता नहीं। पवित्र ऐसा बनते हो जो फिर 21 जन्म तुम पवित्र रहते हो। 21 जन्म तक तुम्हारे अंदर कर्मेंद्रियों की अपवित्रता नहीं आने पाती। कितनी पवित्रता तुम्हारे अंदर समा जाती है। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, और तुम देवताएं कर्मेंद्रियों की अपवित्रता से जन्म नहीं लेते हो। कर्मेंद्रियां होती है ना, 5 कर्मेंद्रियां हैं तो पता है ना। तो 5 कर्मेंद्रियां वो पतित छी छी नहीं बनती है,
से तुम्हारा जन्म नहीं होता है 21 जन तक। सत्यवत्रेता में तुम्हारा जन्म होता है, श्रेष्ठ इंद्रियों से, जैसे मोर का गायन है, गायन नहीं असलियत भी है कि मोर अपनी श्रेष्ठ इंद्रिय आंख से गर्भाधान कर लेता है, उसे कर्मेंद्रियों का आचरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज भी हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है और कृष्ण के मस्तक पर मयूर पंख दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? पवित्रता की निशानी है। मोर का पंख मन पूछ से जो चंदोवा निकलता है, पूछ देहवान की निशानी तो होती है, लेकिन वो चंदोवा ये साबित करता है कि श्रेष्ठ आचरण है इंद्रियों का। श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण, उससे किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। गर्भाधान करने वाले को भी दुख नहीं हो सकता, गर्भधारण करने वाले को भी किसी प्रकार का दुख अनुभूति नहीं होती है। नहीं तो जो कर्मेंद्रियां विकृत बनती हैं, उनसे पुरुष को भी अशक्ति का अनुभव होता है तुरंत, और स्त्री को भी तकलीफ होती है। तो जिसका आदि ही दुखदाई होगा तो मध्य और अंत भी दुखदाई होता है। अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख और सदा काल का दुख हो जाता है। तो बोला है, तुम ऐसे पवित्र बनते हो जो 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, घर गाछ छोड़ते हैं, लेकिन जन्म तो उनका भी विकृतियों से होता है। कर्मेंद्रियों की विकृतियों से जन्म होने वाले निर्विकारी अपने को कैसे कहे जा सकते हैं? अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं कौन? सन्यासी जो घर घाट छोड़ते हैं, बाल बच्चों को दुखी करके जाते हैं और दूसरों के यहाँ भोजन करते हैं। तो जिन गृहस्थियों का भोजन करते हैं उनके यहाँ उनको जन्म लेना पड़ता है, हिसाब किताब बन जाता है, तो वो अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं। फिर भी मृत्यु लोक में आकर के उनको जन्म लेना है। संन्यास धर्म कब से शुरू हुआ? जब से शंकराचार्य आए। शंकराचार्य आज से 1400 वर्ष 1500 वर्ष पूर्व आए, तो उस समय मृत्यु लोक था या अमर लोक था? मृत्यु लोक ही तो था। अच्छा, उससे पहले महात्मा बुद्ध में भी संन्यास था, अच्छे सन्यासी थे, लेकिन वो भी आते सब हैं मृत्यु लोक में ही तो आते हैं। तो चाहे बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म के सन्यासी हो, चाहे हिंदू धर्म के सन्यासी हो, शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए, वो सब विकार से जन्म लेते हैं। कार माना कार्य, वी माना विपरीत। जो विपरीत आचरण करने वाला कार्य है उससे उनका जन्म होता है। अमरपुरी का लायक बाबा ही बनाते हैं। ऐसी पवित्रता सिवाय बाबा के और कोई सिखा नहीं सकता। कैसी? लक्ष्मी नारायण जैसी। बड़े बड़े भव्य मंदिर यादगार में बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां रखी हुई हैं, उनमें पूजन होता है। वो पूजन इस बात को साबित कर रहा है कि उन्होंने भव्य कर्म किए हैं। जो हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र है उसमें ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं और नीचे उनकी रचना राधा कृष्ण खड़े हुए हैं। जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट बनने वाली लक्ष्मी नारायण है, उन्हीं का ये गायन है मंदिरों में।
क्या गायन है कि वाइब्रेशन से उनकी संतति पैदा हुई है सत्य के आदमी, व्यक्ति मात्र का भी उसमें लेस नहीं है। लक्ष्मीनारायण का चित्र इस बात को दिखाता है। जैसे पपीता का वृक्ष होता है, पौधा दो तीन माइल के दूर उसका फीमेल या मेल वृक्ष होता है, चार माइल से भी दूर अगर कोई वृक्ष खड़ा हुआ है, उस बीच में कोई दूसरा नहीं है, तो भी वो वहां से अपना पराग खींच लेता है। तो उनके वाइब्रेशन में भी इतनी ताकत थी। कैसा वाइब्रेशन? योग बल से विश्व की बात रही क्या? भाग दौड़ के बल से नहीं। आज जो हम सर्विस कर रहे हैं, अब तक जो सर्विस की है, वो कौन सी सेवा की है? भाग दौड़ की सेवा की है, वाचा की सेवा की है, लेकिन ये सब स्थूल सेवा है, सूक्ष्म सेवा नहीं है। जो सूक्ष्म सेवा होती है उसमें उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है। जैसे एटम सूक्ष्म होता है, तो एटम में कितनी शक्ति भरी हुई है। आज की बनी हुई जो एटमिक एनर्जी है, अगर विस्फोट होने लगे तो ये दुनिया कायम नहीं रहेगी, खलास हो जाएगी। तो जो चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म है उतनी ज्यादा उसमें ताकत होती है। वाइब्रेशन बहुत सूक्ष्म होते हैं और बहुत दूर तक मार करने वाले होते हैं। आज जो मोबाइल से या कंप्यूटर से जो कार्य किया जा रहा है, वो कार्य में फिर भी लूपहोल भरी हुई है, वायरस पकड़ता है। लेकिन ईश्वर जो हमें वाइब्रेशन बांधना सिखाता है, उसमें अगर हमारी एक बार परिपक्वता हो जाए दोनों ओर से, तो दूर बैठे भी हम किसी व्यक्ति से संदेश ले सकते हैं और संदेश दे भी सकते हैं। तो ऐसी अमरपुरी का लायक बाबा ही बनाते हैं। ये अमर कथा पार्वतियों को अमर बाबा शिव बाबा ही सुनाए रहे हैं। कैसा बाबा सुनाए रहे हैं? जो स्वयं अमर है। अमर का मतलब 5000 वर्ष इस शक्ति रूपी रंगमंच पर लगातार कायम रहता है। जैसे बोला, इस शक्ति पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो कुछ न कुछ 5000 के शक्ति रूपी रंगमंच पर कुछ न कुछ कट करते हैं समय को। वो आत्मा परम धाम में पड़ी रहती है जन्म लिए बगैर। तो बच्चे आए भी हैं बाप के पास, बेहद का वर्षा तो लेना ही है। बेहद का कैसे? बेहद का वर्षा इस हिसाब से कि एक तो एक जन्म का वर्षा नहीं है, ये लौकिक बाप से एक जन्म का वर्षा मिलता है, और इस बेहद के बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। शत्रु में 8 जन्म और त्रेता में 12-13 जन्म, या शत्रु में कुछ आत्माओं के 9 जन्म होते हैं और त्रेता में 12 जन्म होते हैं। इस तरह टोटल मिला के 21 जन्म का वर्षा ये रामकृष्ण की, रामकृष्ण जैसे देवताओं की दुनिया में रहने का वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है, और उसके आधार पर जो पुरुषार्थ करने की आत्मा में संस्कार पड़ते हैं, वो 21 जन्म पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करके अगले जन्मों में वर्षा प्राप्त करते रहते हैं। माने द्वापर कलयुग की नरक की दुनिया में भी प्राप्ति करते हैं। तो बेहद का वर्षा है, बेहद का वर्षा बेहद का बाप ही देते हैं। यहाँ सागर पास आते हो ना, कौन सा सागर? ये पानी का सागर नहीं, ये ज्ञान जल का सागर है। वो जड़ सागर नहीं, ये चैतन्य सागर है। चैतन्य किसे कहा जाता है? जो बोलता भी हो और चलता भी हो।
स्वतः चलता हो, स्वतः बोलता हो, वो है बोलता चालता चैतन्य। वो सागर में जो लहरें चलती है वो तो हवा के जोर से चलती है, या गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराएं चलती है वो भी सर्दी और गर्मी का आकर्षण से चलती है। बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, उनकी सर्दी और गर्मी का जो बीच में विषुवत रेखा के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव जल को आकर्षण करता है। इसके अलावा जमीन के अंदर कुछ चुंबकीय तत्व भी ऐसे हैं, कहीं कहीं गंधक भरी हुई है, जैसे पृथ्वी में कहीं कहीं अपने आप पानी निकलता है, गर्म पानी निकलता है। तो यहाँ जो चैतन्य सागर है, सागर से जो नदियां निकलती हैं उनसे तो सब मिलता रहता है। तो उल्टी बात बता दी, सागर से नदियां निकलती हैं या पहाड़ से नदियां निकलती हैं? हैं? पहाड़ से निकलती हैं, लेकिन पहाड़ का पानी आता कहाँ से? सागर ही गर्म होता है, जब गर्मी पड़ती है तो सागर का जल भाप बन के उड़ता है, पहाड़ों से टकराता है, बर्फ बन के जम जाता है और वो ही नदियों के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। तो सागर से जो नदियां निकलती हैं उनसे तो सब कुछ मिलता है, फिर भी सन्मुख सागर के पास आते हो, रिफ्रेश होकर के फिर जाए आप सामान बनाना है। भले नदियों से सब प्रकार की प्राप्ति होती है, मीठा जल मिलता है नदियों से, सिंचाई के लिए जल मिलता है, कितनी नहरें निकली हुई हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, नदी के पानी से बिजली बनाई जाती है। तो इतनी प्राप्ति होते हुए भी सागर के पास तुम बच्चे आते हो, वो है चैतन्य ज्ञान नदियां और यह है चैतन्य ज्ञान सागर। सागर के पास आकर के रिफ्रेश होना और नदियों के पास जाकर के रिफ्रेश होना बहुत अंतर है। तो बाप के पास आकर के रिफ्रेश होना और वापस जाकर के फिर दूसरी आत्माओं को रिफ्रेश करना, ये तुम्हारी ईश्वरीय सेवा है। बच्चों का यही धंधा हुआ, जैसे माँ बाप का धंधा पति दुनिया को पावन बनाना है, पतित दुनिया को पावन बनाए फिर पतित दुनिया का विनाश कराए देते हैं। ये पतित दुनिया तो जरूर विनाश को पावेगी, जो पावन निकलेंगे, पावन बनकर निकलेंगे वो फायदे में रहेंगे। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, पावन दुनिया को वैकुंठ कृष्णपुरी भी कहते हैं, अंग्रेजों में क्या कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। कहते हैं लॉर्ड कृष्ण का राज्य भारत में था, ऐसा अंग्रेज लोग भी मानते हैं। मुसलमान लोग उसे क्या कहते हैं, वैकुंठ को जन्नत कहते हैं, उनके शास्त्रों में भी उसका गायन है। इसका मतलब हर धर्म की आत्माएं चुनी जाती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाती हैं और ईश्वर उनको देवता बनाता है। ऐसे नहीं कि हिंदू धर्म के ही आत्माएं जो है वो देवता बनती है, हर धर्म में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हर धर्म में खराब से खराब आत्माएं हैं। तो उन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा चुनता है, उसकी यादगार है हर धर्म में। क्या यादगार? माला बनाई जाती है, हर धर्म में माला घुमाते हैं, माला के मणकों को स्मरण करते हैं, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सन्यासी हो या सिख हो, उन श्रेष्ठ आत्माओं का माला के मणकों के रूप में सब जगह स्मरण होता है। तो वो श्रेष्ठ माला के मणके वैकुंठपुरी में जाते हैं और परमात्मा से प्राप्त हुए वर्षे का सुख
भोगते हैं। श्री राधे और कृष्णपुरी सो श्री लक्ष्मी नारायण पुरी। वास्तव में गाय लक्ष्मी नारायण का होना चाहिए। क्यों राधा कृष्ण का गायन क्यों नहीं होना चाहिए? हैं? राधा कृष्ण का गायन इसलिए नहीं होना चाहिए कि राधा कृष्ण है रचना और उनको रचने वाले हैं लक्ष्मी नारायण रचयिता। रचना को वर्षा किससे मिलता है? रचयिता से वर्षा मिलता है। तो कमाई किसने की? रचयिता ने कमाई की। और खाया किसने? रचना ने खाया। तो गायन किसका होना चाहिए? रचयिता का गायन होता है, है? रचयिता का गायन होता है। तो बोला वास्तव में गायन लक्ष्मी नारायण का होना चाहिए। वास्तव में तो कृष्ण जन्माष्टमी भी नहीं होती है। क्या कृष्ण की जन्माष्टमी नहीं होती है? युगल की होनी चाहिए। जब नई सृष्टि बनी होगी तो नई सृष्टि की शुरुआत एक से हुई होगी या दो से हुई होगी? सृष्टि का कार्य दो के बगैर नहीं चलता। और राधा कृष्ण तो बच्चे हैं, उनके द्वारा बच्चों के द्वारा कोई सृष्टि थोड़ी रची जाती है। राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण, हमको तो ये पता है कि राधा कृष्ण जब बड़े होंगे तो भी लक्ष्मी नारायण का टाइटल लेंगे अपने माँ बाप का। वो टाइटल लेंगे या उन्हें दिया जाएगा? हैं? लेंगे, ठीक लेंगे। उन्हें टाइटल दिया जाएगा, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, जैसे अंग्रेजों में कहते हैं किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, किंग एडवर्ड दी सेकंड, थर्ड, ऐसे हुआ है ना। तो ऐसे ही जन्माष्टमी महाराजा महारानी की मनाई जाती है। पहले राधे कृष्ण नहीं होते हैं, पहले लक्ष्मी नारायण। कृष्ण जन्माष्टमी रंग है, होना चाहिए लक्ष्मी नारायण की जन्माष्टमी। क्या लक्ष्मी नारायण की जन्माष्टमी? क्यों क्यों? जन्म किसका मनाया जाता है, साकार का या निराकार का या आकार का? साकार का। अगर संगम जी कृष्ण जी कहे तो संगम जी कृष्ण आकारी है या साकारी है? संगम युग में कृष्ण की सोल जो अभी कृष्ण के रूप में पार्ट बजा रही है वो आकार में प्रवेश करके या निराकारी स्टेज में प्रवेश करके पार्ट बजाय रही है या उसका अपना साकारी चोला है? साकारी चोला है। अभी साकारी चोला है नहीं? कृष्ण दादा लेखराज की सोल अभी भी प्रवेश करके पार्ट बजाय रही है ना। तो जो प्रवेश करके बीज रूपी स्टेज में पार्ट बजाय रही है उसका गायन नहीं होता। गायन किसका होता है? नाम किसका पड़ता है? आत्मा का नाम पड़ता है या शरीर का नाम पड़ता है? ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है, ए आत्मा इधर आओ। आत्मा आत्मा तो सब बिंदु बिंदु, तो पेकुलरिटी का पता नहीं पड़ेगा। वो आत्मा ही जब किसी चोले में प्रवेश करे तो उसका पता पड़ता है कि यह अमुक आत्मा है, उसका अमुक पार्ट है। तो कृष्ण की सोल जो अभी वर्तमान में पार्ट बजाय रही है प्रवेश करके, वो आकारी या निराकारी स्टेज का पार्ट है, इसलिए उनकी जन्माष्टमी नहीं कही जा सकती। वास्तव में जिस चोले के द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं वो चोला लक्ष्मी नारायण का है न कि राधा कृष्ण का? लक्ष्मी नारायण का है। तो बताया कि लक्ष्मी नारायण की जन्माष्टमी होनी चाहिए तो स्वर्ग सिद्ध हो जाएगा। स्वर्ग की सिद्धि किससे होगी? जो सिद्धि प्राप्त करेगा उसके द्वारा सिद्धि होगी। सिद्धि जिसकी प्राप्त नहीं होती है उसे दुनिया नहीं मानती। जो सिद्धि को प्राप्त करता है उसको दुनिया मानती है। कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं तो स्वर्ग सिद्ध नहीं होगा। क्यों क्यों सिद्ध नहीं होगा? शास्त्रों में कृष्ण को कहाँ बताया है? द्वापर युग के अंत में बताया है कि महाभारत युद्ध कराया।
द्वापर के अंत में जब महाभारी महाभारत युद्ध कराया तो कौन से युग की स्थापना हुई? कलयुग तो पापी युग कहा जाता है। तो क्या भगवान कृष्ण ने आकर के पापी युग की स्थापना कर दी? भगवान इसलिए आता है कि आठ कला जो संपूर्ण दुनिया मानी जाती है द्वापर युग, उसको कलाहीन कलयुग बनाएंगे? ये तो सिद्ध नहीं होता। कृष्ण को द्वापर में ले जाना रांग है, इससे स्वर्ग सिद्ध नहीं होगा। द्वापर में ले जाने से ये दुनिया नरक सिद्ध होती है कि भगवान के आने के बाद भी दुनिया नरक बनी रही। वास्तव में कृष्ण की सोल तो सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण से जन्म लेती है। क्यों जन्म लेती है? जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के दास दासी होते हैं या मालिक होते हैं? बच्चे मालिक होते हैं और माँ बाप दास दासी होते हैं। तो माँ बाप को दास दासी क्यों बनना पड़ा? लक्ष्मी नारायण रूपी जो माँ बाप है वो राधा कृष्ण के दास दासी बनते हैं, तो उन्हें दास दासी क्यों बनना पड़ा? हाँ, क्योंकि यज्ञ के आदि में जो राधा कृष्ण की सोल है उसने वो कार्य कर दिखाया पालना का। जो ब्राह्मणों की शक्ति रची गई थी आदि में, उसको राम और सीता वाली आत्मा छोड़ के चली गई। तो छोड़ के चली गई, उसका उनको ये दंड मिलता है कि तुमको जाकर के उनकी पालना करनी पड़ेगी और दुनिया का मुकाबला करना पड़ेगा। कृष्ण की आत्मा फिर भी 69 तक कैन की बंसी बजा के आराम से शक्ति को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर और काम शरीर धारण कर लेती है। तो द्वापर युग से आसुरी राज्य शुरू होता है, फिर कंसपुरी कहलाई जाए। ऐसे नहीं कि कंसपुरी को बनाने के लिए कृष्ण आते हैं, नहीं, कृष्ण द्वापर में आया ही नहीं है। शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो कृष्ण द्वापर में नहीं आया। कब आया? संगम युग में आया। माने संगम युग में वो कृष्ण की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रत्यक्ष हो करके, जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो बाहर आता है ना, प्रत्यक्ष होता है ना, पहले गर्भ में गुप्त होता है बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो घर वाले फिर गांव वाले फिर दुनिया जानती है। तो ऐसे ही ये दिव्य जन्म की बात है। जो जो आत्माएं अपने स्वरूप को पहचानती जाती है और ऐसी एक्ट करके ऐसा महान कार्य करके संसार को दिखाती है जिससे उनका कार्य प्रत्यक्ष हो जाता है, तो वो उनका दिव्य जन्म कहा जाता है। तो कृष्ण की सोल भी कोई ब्राह्मण चोले में प्रवेश करके प्रत्यक्ष हो जाती है। तुम कृष्ण को और ही जास्ती ऊंच पद देते हो। वो सतयुग में आए थे, कौन? कृष्ण। भक्त लोग निंदा करते हैं कि कृष्ण द्वापर में आया, द्वापर के अंत में आया, कलयुग दुनिया स्थापन की, और हम क्या कहते हैं कि कृष्ण द्वापर के अंत में नहीं आया। वास्तव में कृष्ण की सोल कलयुग के अंत में वह कार्य करके दिखाती है जो राम सीता की आत्माओं ने भी शुरुआत में वो कार्य नहीं कर पाया। राम सीता की आत्मा है स्थित स्वभाव वाली, वो असुरों का मुकाबला तो कर सकती है, सामना तो कर सकती है, लेकिन सहन करने का उतना मादा खुद में नहीं है। तो ब्राह्मणों की जो सही नई शक्ति रखी जाती है यज्ञ के आदि में, उसमें राधा कृष्ण की आत्माओं ने सही शक्ति के आधार पर वो पालना का कार्य संपन्न किया। तो मृदुल पाठ है, तुम सभी महिमा करते हो कृष्ण की और तुम कृष्ण का नाम बाला भी करती हो। पढ़ाई के चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो आता हूँ तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम फिर मुझे गाली क्यों देते हो? गाली दे देते हो कि मैं कच्छ अवतार लेता हूँ, मच्छ अवतार लेता हूँ। अब कच्छ मच्छ तो जानवर है, क्या मैं कच्छ मच्छ बन करके आऊंगा? मैं जानवर बन करके आऊंगा? मुझे जानवरों का सुधार करना है,
मैं जानवरों का सुधार करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं तो मनुष्यों का सुधार करने के लिए आता हूँ। मनुष्य सुधरे तो सारी दुनिया सुधरे, और मनुष्य बिगड़े तो सारी दुनिया बिगड़े। मनुष्य के ऊपर इतना मदार क्यों है? क्योंकि मनुष्य में मन होता है, जानवरों में मनन चिंतन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति नहीं होती है। उनमें जड़त्वमयी बुद्धि होती है, आवेग आया और काम कर लिया। और मनुष्य अगर वास्तव में अर्थ में मनुष्य है तो कोई भी कार्य करने से पहले उसका आगा पीछा सोचेगा, उसको कहेंगे मनुष्य। तो तुम मुझे गाली देते हो कि मैं कच्छा अवतार लेता हूँ, मच्छा अवतार लेता हूँ, घोड़े का अवतार लेता हूँ। अब ऐसा तो मैं नहीं करता, ऐसी कच्ची गालियां तो न दो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट, रात्रि क्लास 21:65 की। देवताओं की नई दुनिया कहें कि ब्राह्मणों की नई दुनिया कहें, है नई दुनिया किसकी कहें? कुछ कह रहे हैं ब्राह्मणों की नई दुनिया कहें, कुछ कहते हैं देवताओं की नई दुनिया कहें, है ठीक है। ब्राह्मणों की भी पूजा होती है, भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की पूजा होती है ना, लेकिन कौन से ब्राह्मणों की पूजा होती है? अधूरे ब्राह्मणों की पूजा होती है या संपूर्ण ब्राह्मणों की पूजा होती है? जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती है। संपूर्ण ब्राह्मण माना ही देवता। तो तुम बाणों का चित्र बनाते हो तो ब्राह्मण फिर देवता दिखाते हो, मस्तक में क्या दिखाते हो? चोटी में, मस्तक से भी ऊपर चोटी दिखाते हो और चोटी में ब्राह्मणों को दिखाते हो, इसलिए ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। माने चोटी का पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, बाद में मस्तक में देवता दिखाए जाते हैं। पहले ब्राह्मणों की चोटी है फिर मस्तक है, तो मस्तक में देवताएं। जो विराट रूप का चित्र बनाते हैं ना तो उसमें दिखाते हैं कि चोटी ब्राह्मणों की, मस्तक समान देवताएं, भुजाओं समान क्षत्रिय और पेट और जंघाओं समान वैश्य और पांव के समान शूद्र। तो पहले पहले ब्राह्मणों की चोटी है फिर देवताएं। ये अब नई सृष्टि है, कौन सी? जो ब्राह्मण अपना संपन्न पुरुषार्थ प्राप्त करके देव पद पाते हैं वो है नई सृष्टि संपूर्ण। शिव बाबा तो सबका बाप है, देवताओं का भी बाप है तो ब्राह्मणों का भी बाप है। और किसका किसका बाप है? सबका माने किसका किसका है? राक्षसों का भी है क्या? राक्षसी आत्माएं शिव की पूजा नहीं करती है? करती है ना, है तो उनका भी बाप हुआ है। तो सबका बाप है, पीछे है ब्रह्मा, शिव के बाद में ब्रह्मा। वास्तव में पहले शिव बाबा फिर विष्णु फिर ब्रह्मा। ये ब्राह्मण चोटी है, फिर ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। तो ये नई सृष्टि हुई, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, इस्लामी बौद्ध आदि होंगे। तो ये नई सृष्टि हुई। ये बातें तुम बच्चों को बेहद का बाप बैठ समझाते। पुरानी से नई सृष्टि कैसे बनती है? क्या जो पुरानी सृष्टि होती है उसमें तो सब धर्म की आत्माएं होती है, हर वर्ण की आत्माएं होती है मौजूद, देवता वर्ण नहीं होता है। उन्हें पुरानी व सृष्टि की आत्माओं को फिर नई सृष्टि की दैवी आत्माएं बनाने वाला परमात्मा कैसे देवता बनाता है वो तुम जानते हो, क्योंकि बाप तुमको बैठ समझाते हैं कि ये पुरानी सृष्टि है, शूद्रों की सृष्टि है। अभी
अभी सब शूद्र हैं। भक्ति मार्ग में भी तुलसीदास जी ने क्या बोल दिया, भय वर्ण शंकर सब है, सब वर्ण शंकर हो गए माने सब शूद्र हो गए, बंगी हो गए। अब फिर शूद्र से तुम ब्राह्मण बनते हो क्या? शूद्र से सीधे ब्राह्मण बन जाएंगे हैं? वैश्य और क्षत्रिय नहीं बनेंगे क्या? उल्टी सीढ़ी करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो भले उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं, सीधे आखिरी सीढ़ी पे नहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन तुमको फिर भी बाप सीढ़ी चढ़ा करके शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाप बैठ नई सृष्टि एडाप्ट करते हैं क्या? एडाप्ट करते हैं, कहाँ से एडाप्शन करते हैं? हैं? शूद्रों को एडाप्ट करते हैं, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। कब तक बने ब्राह्मण? 68 तक ब्राह्मण बने, और अभी भी ब्रह्मा की सोल कार्य कर रही है, तो अभी भी ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण बनेंगे ना, मुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं है? तो पांव वंशावली कहे जाते हैं, मुखवंशावली ब्राह्मण शास्त्रों में गाए हुए हैं। तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके ही उन्होंने ब्राह्मणत्व को हासिल किया होगा। ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन होगी और मुंह खोला हुआ किया और ब्राह्मण निकल निकल के दौड़ने लगे, ऐसी कोई बात होती नहीं है। वो तो ब्राह्मण शास्त्रों की दंत कथाएं बैठ करके सुनाते हैं इस तरह कि अंधश्रद्धा फैलती है। तो बाप ही बैठ नई सृष्टि अडाप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। कौन सा ब्रह्मा? जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, माने दूसरे धर्म पिताएं जो है वो ग्रेट है, महान धर्म पिताएं हैं। कौन कौन से? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि आदि, ये सब महान धर्म पिताएं तो है, लेकिन उन महान धर्म पिताओं का भी महान से महान बाप शिव बाबा। तो शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है वो प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। सरस्वती को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर कहेंगे क्या? सरस्वती को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर कहेंगे। रचना किसकी है सरस्वती? किसकी रचना है? पहली रचना है। किसकी रचना है? ब्रह्मा की रचना है। परमपिता परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं ये तो कोई नहीं जानते क्या? उन्होंने तो कश्यप को दिखा दिया है कि कश्यप ऋषि के द्वारा सृष्टि का आरंभ हुआ, मनु के द्वारा सृष्टि का आरंभ हुआ। मनु वास्तव में कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को। तो जो मनन चिंतन मंथन करने वाला होगा उसकी औलाद भी कैसी होगी? मनन चिंतन करने वाली हुई तो उनका नाम रख दिया है शास्त्रों में मनुष्य। कहते हैं मनुष्य का एक जन्म होता है और बाकी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। तो ऐसा होता है? मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती है। वास्तव में 84 लाख योनियों जैसे स्वभाव संस्कार धारण कर सकती है क्या? कोई की बुद्धि कुत्ते जैसी हो जाए, कोई की बुद्धि बिल्ले जैसी हो जाए, कीड़े मकोड़ों जैसी हो जाए, बाकी कोई भी मनुष्य कुत्ता बिल्ला शरीर नहीं धारण करता। क्यों? क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल अथवा वृक्ष होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि बैंगन से बबूल और आम पैदा हो जाएगा। जो बीज में संस्कार होते हैं वही संस्कार लेकर के वो वृक्ष पैदा होता है। तो परमात्मा आकर के कैसे सृष्टि रचते हैं ये दुनिया में कोई नहीं जानते तुम बच्चों के सिवाय। वो तो अंधश्रद्धा से खाते रहते हैं विद्वान पंडित आचार्य। बाप आकर के बताते हैं, मैं जब आकर के प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ तो ज्ञान के द्वारा ब्राह्मणों की नई सृष्टि बनाता हूँ। प्रैक्टिकल प्रूफ भी अभी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची गई है, इसका क्या प्रूफ प्रैक्टिकल में मिल रहा है? है? कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है? 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 नहीं नहीं नहीं,
उसका प्रैक्टिकल प्रूफ मिल रहा है कि सारी दुनिया में, कि हर देश में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय फैले हुए हैं, उनमें ब्राह्मणों की रचना आदि भी हो रही है, ब्राह्मणों की रचना हो रही है। ये नहीं कहेंगे कि संपूर्ण ब्राह्मणों की रचना हो रही है, माने ब्राह्मण से देवता भी बन रहे हैं ये नहीं कह सकते। तो ये डबल मशीनरी है परमात्मा बाप की। पहले शूद्रों को क्या बनाते हैं? ब्राह्मण बनाते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके देवता बनाते। तो दुनिया नहीं जानती कि नई सृष्टि परमात्मा कैसे रचते हैं। ऋषि मुनि भी बेअंत कहते आए, क्या हम सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते? अभी बाप अपना और रचना की आदि मध्यंत का भी बैठ करके अंत देते हैं, अपना भी अंत तंत्र बताते हैं और सृष्टि का भी अंत तंत्र बता देते हैं। बाप का अंत क्या है? बाप की आदि क्या है? बाप का मध्य रूप क्या है? बाप रचयिता होता है और बच्चा रचना होती है, तो रचयिता और रचना का आदि मध्य अंत क्या हुआ? करो, भूल गए, पढ़ते जाते भूलते जाते हैं। बाप है राम बाप और कृष्ण है बच्चा। तो सीढ़ी के चित्र में रचयिता और रचना दोनों ही तो दिखाए गए हैं। सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मीनारायण को भी दिखाया है और राधा कृष्ण को भी सत्य के आदि में दिखाया है। तो लक्ष्मीनारायण हुए आदि और राधा कृष्ण हुए उनकी रचना, उनका भी आदि हुआ। फिर त्रेता में राम सीता के रूप में दिखाए गए हैं, द्वापर में विक्रमादित्य के रूप में कृष्ण की सोल को दिखाया गया है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की, कराई किसने? बोल शिव बाबा ने, राम वाली आत्मा ने। वो गुरु बनता है बाप के रूप में और वो बच्चा बनता है, शिष्य बनता है। तो बताया कि रचना और रचयिता का आदि मध्य और अंत में भी सीढ़ी के चित्र में देखो दोनों चित्र दिए हुए हैं। ध्यान से नीचे देखना, बाप जो है कांटों की सैया पर फुल बैगर के रूप में पड़ा हुआ है और बच्चा फिर भी ब्रह्मा की सोल खड़ी हुई है। तो ये किस समय की शूटिंग की बात है? संगम युग में षष्ठी के आदि में राम वाली आत्मा गिर गई। किदाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो बीज है अगर अपने को अपनी हस्ती को मिट्टी में न मिलाए तो गुल नहीं खिल सकते। तो बीज रूप आत्मा जो बीज बाप है वो यज्ञ के आदि में भी अपनी हस्ती को मिट्टी में मिलाता है और अंत में भी कलंकी धर बन करके जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो उसकी हस्ती मिट्टी में लोगों के सामने मिलाई दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर में चित्र कैसा दिखाया गया है? उनकी भुजाएं कटी हुई क्यों दिखाई है? भुजा होती है मददगार की निशानी, तो जितने भी मददगार हैं वो सब कट जाते हैं, कुंभे रह जाते हैं है? और इतनी ग्लानी, इतनी जास्ती ग्लानी होती है कि उनको मुंह छुपाने की जगह इस दुनिया में नहीं मिलती। जहां जाते हैं थू थू थू, ग्लानी ही ग्लानी, ग्लानी ही ग्लानी, कलंकों की बौछार हो जाती है। तो जिसके ऊपर ज्यादा ही ज्यादा कलंक है वो तो अपना चेहरा छुपाएगा, कहीं ना कहीं छुपेगा है? तो गालियां मिलती है। जब गालियां मिलती है तो उनका रथ आगे बढ़ता है। जगन्नाथ जी मंदिर में जब रथ यात्रा निकलती है तो उड़ीसा के लोगों को पता है, तो या जो गए होंगे रथ यात्रा देखने वो जानते होंगे, तो वो रथ जब तक उसको गालियां न मिले तब तक वो आगे बढ़ता ही नहीं। तो अभी बाप तुमको अपना और रचयिता के आदि मध्यंत का तंत बैठ अंत बैठ समझाते हैं। सीढ़ी के चित्र में रचयिता बाप कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, विदेशियों से भीख मांग रहा है, लेकिन उसके मस्तक में क्या रखा है?
गीता ज्ञान भरा हुआ है। गीता ज्ञान जिसकी मस्तक में भरा हुआ होगा, बाहर से दुनिया के सामने कैसी भी स्थिति बन जाए, लेकिन परमात्मा बाप की दृष्टि में वो सबसे ऊंच से ऊंच हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाता है। अभी तुम बेअंत नहीं कहेंगे, तुम रचयिता और रचना को बेअंत नहीं कहेंगे, तुमने उनके अंत को जान लिया है। तुमको अब रोशनी मिली है। कौन सी रोशनी? ज्ञान की सारी रोशनी मिली है, बाकी सब घोर अंधेरे में। क्या तुम बच्चे जो बाप के पास आते हो या बाप तुम बच्चों के पास जाते हैं घर बैठे, क्या गए घर बैठे भगवान मिला। तो तुम बच्चे जो बाप के पास आते हो, तुम्हारे सब अंधेरे दूर हो जाते, तुमको रोशनी मिल जाती है, बाकी सब अंधेरे में पड़े हुए। शक्तिमान में सीरियल दिखाते हैं, हैं? अवसरों की पार्टी क्या कहती है, अंधेरा कायम रहेगा उनके लिए, तो अज्ञान अंधेरा कायम रहे तो उनकी राजाई चलती रहेगी। और दूसरी पार्टी, हाँ, वो अंधेरे को हटाने में लगी रहती है, वो सूर्यवंशियों की पार्टी है, सूर्यांशियों की। तो सूर्य तो क्या करता है, रोशनी ही रोशनी करता है, तो ज्ञान सूर्य के बच्चे भी क्या करेंगे, रोशनी ही रोशनी करेंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ अज्ञान अंधेरा को हटाएंगे और उजेला फैलाएंगे। तो तुम्हारा ये धंधा है, गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी सारा ज्ञान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समाया जाता है। तुमको भी अब अंत मिला है ईश्वर और उनकी रचना का, उनके आदि मध्यंत को तुम जानते हो, तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। क्या पहले से त्रिकालदर्शी किसका बनना है, है? परमात्मा बाप का त्रिकालदर्शी बनना है, और बाद में बाप का अगर हम अपने को बच्चा समझते हैं तो हमारी आत्मा का भी आदि मध्यंत मालूम होना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसे जैसे बाप ने पार्ट बजाया होगा, वहाँ वहाँ हमारा भी सहयोगी बनने का पार्ट जरूर होगा। देवताओं को त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, क्यों है? हाँ, उनको ज्ञान नहीं होगा। हाँ, जब नई सृष्टि बनेगी तो उसमें ज्ञान उड़ जाएगा। आज की दुनिया में भी कोई कोई हादसे ऐसे हो जाते हैं, किसी के सर में गहरी चोट लग जाती है तो सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसे ही होगा, विनाश के टाइम पर भी ऐसा हादसा होगा कि हम पुरानी बातें सब भूल जाएंगे। बिलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारी यादगार है क्या? जैनियों का जो बिलवाड़ा मंदिर है वो यादगार भी वास्तव में जैन धर्म तुम्हारा है असली। वो तो जिन की औलाद जैन कहे जाते हैं। किसकी औलाद? जिन। जिन बना है जित शब्द से, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, है? उनकी औलाद जैनी। वास्तव में तुम क्या हो? तुम जैनी हो, इंद्रियों को जीतने वाले बाप की तुम औलाद बनते हो। तो वो दिलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारी यादगार है। जगदम्बा, जगत पिता और तुम बच्चे, यहाँ तुम चैतन्य में हो। कौन कौन? जगदम्बा भी यहाँ चैतन्य में है और जगत पिता भी यहाँ चैतन्य में है, और तुम बच्चे भी, जगदम्बा जगत पिता के बच्चे भी चैतन्य में बैठे हो। वो तो जड़ चित्र है, उन भक्तों ने क्या बनाया हुआ है, जड़ चित्र जड़ मूर्तियां बनाते रहते हैं और रात्रि जागरण करते रहते हैं। वो स्थूल रात्रि का जागरण करते हैं और तुम अज्ञान अंधकार की रात्रि में जागरण करते हो, पुरुषार्थ में जागरण करते हो। मंदिर तो जैनियों का है, इसको महावीर भी कहते हैं। जैनियों के मंदिर में जो प्रमुख मूर्ति रखी हुई है उसको क्या कहते हैं? महावीर। तो तुम बच्चे वीरता धारण करने वाले हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और तुम्हारा बाप महावीर कहा जाता है। तुम महावीर के बच्चे भी महावीर बनते हो, मास्टर महावीर।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए क्या? लेकिन वो खुशी का पारा अभी चढ़ता नहीं है। हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। क्या कहा? बाप जो है वो तो वास्तव में मालिक होते हुए भी मालिक नहीं बनता। बाप का जो चित्र दिखाया गया है, शंकर को जो बाप जगत पिता कहा जाता है, उसका चित्र किस रूप में दिखाया जाता है? विश्व के मालिक के रूप में दिखाया जाता है, ताजधारी दिखाया जाता है, या बेताज दिखाया जाता है? बेताज है, बैगरी रूप दिखाया जाता है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बेताज बादशाह हमारा बाप है, वो बैगर रूप में आया हुआ है और हम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहा है। जिम्मेवारी का ताज हम बच्चों को धारण करना चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। वो ईश्वरीय राज्य और ये है आसुरी राज्य। क्या तुम बच्चे जिस राज्य को संचालन करेंगे वो होगा ईश्वरीय राज्य, और जो दुनिया में राज्य चल रहा है वो है आसुरी राज्य। देश देशांतर में वो आसुरी राज्य अभी फैला हुआ है। ईश्वर आकर तुम माताओं के द्वारा स्थापना कराते हैं। क्या स्वर्ग का उद्घाटन, राजधानी का उद्घाटन माताओं के द्वारा कराते हैं? क्यों? भाइयों ने ऐसा क्या पाप कर्म किया जो उनसे उद्घाटन नहीं कराते हैं? तुम नालायक हो, तुमने तो दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं लगने देंगे, तुम यहाँ भी नरक बना दोगे। ऐसे क्यों कहते है? क्योंकि पुरुष चोला जो होता है वो एकांत पाए के अपनी करनी से चूकता नहीं है, और कन्या माताओं में लाज रहती है। क्या काम विकार को कन्या माताएं जीतने में पुरुषों की बहुत मदद कर सकती है और खुद भी आगे जा सकती है, जाती है आगे। इसलिए कन्याओं माताओं को बाबा ने नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आगे रखा हुआ है, पुरुष उनके मददगार बने। तो तुम्हारे द्वारा स्थापना कराते हैं तो जो स्थापना करने के निमित्त बनती है वही मालिक बनेगी। कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। क्या और जो दुनिया में नॉलेज होती है, डायरेक्टर बनने की नॉलेज होती है, डॉक्टर बनने की नॉलेज होती है, इंजीनियर बनने की नॉलेज होती है, वो तो अल्पकाल की नॉलेज है। क्यों? एक जन्म ही ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, वो भी कोई जरूरी नहीं कि बन ही जाए। क्या बहुत से वकील है LLB कर लेते हैं और सारी जिंदगी में उनको चवन्नी कमाई करने लायक नहीं बन पाते। तो डॉक्टर की उपाधि बहुत से ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टरी का उनको लकवा जिस रूप में मिलना चाहिए वो डॉक्टर नहीं बन पाते। तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई जो है वो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। यहाँ पवित्रता नहीं है तो न हेल्थ रहेगी, न वेल्थ रहेगी और न हैप्पी बनेंगे। कहाँ? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में अगर पवित्रता धारण नहीं की तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जो परमात्मा का वर्षा है वो नहीं मिलेगा। देयर इज प्योरिटी, देयर इज हेल्थ हैप्पीनेस एंड प्योरिटी। वो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों प्योरिटी से मिलती है। सत्युग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ रहता है, और यहाँ किसी के पास वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, हेल्थ वेल्थ दोनों होगी तो भी हैप्पीनेस नहीं होगी। तो यहाँ तो ये दुनिया है अधूरी दुनिया, और जो परमात्मा दुनिया बनाते हैं वो है संपूर्ण दुनिया। अच्छा बच्चों को गुड नाइट, ओम शांति।